नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहदी खास प्रोग्राम में। देश में जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की हालत कितनी खराब हुई है ये बात किसी से छुपी नहीं है। भले ही जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हो, कहीं कहीं पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कहीं पर ना चाहते हुए उसकी सरकार नहीं बनी, कहीं पर चाहते हुए भी उसकी सरकार नहीं बनी, ऐसा भी बीजेपी को देखना पड़ा है, जो कि बीजेपी हर राज्य में अपनी जीत का परचम लहरा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर आई है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि आखिर एक और राज्य से बीजेपी की सरकार गिर सकती है। आखिर वो कौन सा राज्य है जब वहां कोई चुनाव नहीं है और वहां कोई अब ऐसा कुछ नहीं है, तो आखिर कौन सा वो राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार गिर सकती है, ऐसा क्या है? जी हाँ, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, खबर है, आप मैं दिखाना चाहूंगा भी। अभी हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है, जाहिर सी बात है, जबकि बीजेपी के विरोधी दलों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक अलग एकता की मिसाल पेश कर दी है। इस समय मेघालय में कांग्रेस ने आमपत्ती, मेघालय की बात करते हैं, जहां पर त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालैंड में चुनाव हुए थे, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और इसमें गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो आपको बता दूं। और इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ज्यादा सीट लाई थी। इस समय मेघालय में कांग्रेस ने आमपत्ती विधानसभा सीट जीत ली है और राज्य की देश और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें, अभी वहां पर भी उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है और अब वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और जिसके चलते कांग्रेस में राज्य में और कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। आपको बता दें, मेघालय में कांग्रेस के पास इस समय 21 विधायक हो गए हैं और यहां की कुल सीट 60 है। विधानसभा पर पूरी होती जो विधानसभा पर पूरी होती है, यहां एनपीपी के विधायकों की भी अच्छी तादाद है और वो 20 की संख्या में है। आपको बता दें, इस समय मेघालय में एनपीपी और निर्दल और बीजेपी की सरकार चल रही है। देखते कितनों की सरकार चल रही है, गठबंधन की एनपीपी है और निर्दल है और बीजेपी की सरकार चल रही है, यानी कि अगर कांग्रेस अगर उससे हाथ मिला लेती है तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है, गठबंधन की सही। लेकिन अब यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और कर्नाटक की तर्ज पर यहां पर भी सरकार बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस ऐसे कोई मूड में दिख नहीं रही। अगर ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा और उसे एक और राज्य में हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि वो इस समय केंद्र में भी है और राज्य की सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी है। मेघालय में गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के जीतने से बीजेपी के माथे पर बल जरूर पड़ गया है, बीजेपी की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। और अब मैं आपको खबर की हेडिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं खबर में, जिसमें खबर की हेडिंग है कि इस एक लड़की की वजह से इस राज्य में गिर सकती है भाजपा की सरकार। आखिर वो लड़की कौन है, तो मैं आपको दिखा दूं, वो ये लड़की है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। और आपको बता दें कि आमपत्ती सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी समर्थित नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि कांग्रेस और बीजेपी समर्थित है, क्योंकि उम्मीदवार के बीच था। उधर निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हाथ आजमा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सभी की हवा निकालते हुए जीत दर्ज की। इस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और ये कौन प्रत्याशी है, मैं आपको दिखा दूं, जिनका नाम है म्यानी डी शेरा, ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सी जी मोमिन को 3,191 वोट से हराते हुए अपनी जीत तय की है। बीजेपी समर्थित सीजी मोमिन को हरा दिया है और कांग्रेस प्रत्याशी म्यानी डी शेरा ने जीत दर्ज की है। और आपको बता दें कि ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने, जो कि कांग्रेस की सरकार थी पहले वहाँ पे गठबंधन की, और पूर्व मुख्यमंत्री ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसके दोनों पर ही उन्हें जीत हासिल हुई थी, और इसके बाद एक सीट छोड़नी पड़ी थी जिस पर उपचुनाव हुआ और उनकी लड़की म्यानी ने जीत दर्ज की है। और अब पासा पलट सकता है, लेकिन पासा तब पलटेगा कि अगर कांग्रेस मूड में दिखी तो राज्य में सरकार बनाने के लिए, और वो ऐसा करेगी या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हुए जहां पर नेता एक दूसरे पर निशाने साधते हुए, देखिए किस तरह नेताओं ने, राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने निशाने साधे।
मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि महात्मा बसवेश्वर की जयंती पर आज मैं बेंगलुरु में हूं। सुबह इनकी प्रतिमा को श्री येदुरप्पा जी के साथ हमने माल्यार्पण करा। ये माल्यार्पण जगत ज्योति बसवेश्वर की प्रतिमा को नहीं है, ये माल्यार्पण बसवेश्वर के जो सिद्धांत है, इन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया है वो कार्य को कार्यांजलि है। 1000 साल के बाद भी आज करोड़ों लोगों के दिल में उनके वचनों के माध्यम से आत्मा को प्रदीप्त करने की ज्योति जल रही है, वो मैं मानता हूं। पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं। मन पर विराजमान इस चुनाव में कर्नाटक की जनता की आशा आकांक्षा बने हुए हमारे भावी मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी, मंच पर विराजमान सभी महत्व के नेतागण, मंच पर विराजमान सांसदगण, मंच पर विराजमान इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार बंधुगण, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी जो 20 राज्यों में सरकार बना चुकी है, इसके यश का अगर किसी को अधिकार है तो मेरे बूथ के अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष को है और किसी को नहीं। ऐसे ऐसे प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी अस्तित्व नहीं था, त्रिपुरा जहां 1.2% वोट मिला था, 1.2% वोट, 0 सीट। इसके बाद में मणिपुर 3.2% वोट, 0 सीट, आसाम 4 सीट। ये तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बूथ की रचना होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों राज्यों में हमें किसी नेता की घोषणा नहीं की थी किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कौन चुनाव लड़ रहा था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के मेरे बूथ और शक्ति केंद्र अध्यक्ष का हौसला चुनाव जीता कर लाया। और मित्रों, ये विजय रथ जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकला है, आज कल्पना करिए पार्टी कहां पहुंची। 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है, इसका हम सबको गौरव। एक जमाने में श्रीमान राजीव गांधी ने तंज कसा था, हमारे 2 सदस्य थे, उन्होंने टोंट लगाया पार्लियामेंट में के भाजपा वाले मानते हैं हम 2 हमारे 2, मगर 2 बाहर रह गए, 2 यहां आए। अटल जी, अडवाणी जी भी स्वयं चुनाव हार गए थे। वो पार्टी आज संसद के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ 330 सांसदों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बैठी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, किसानों से कहते हैं, मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने उनसे ये बात कही कि आप किसानों का कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, मगर अगर आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हो तो फिर आप मुझे समझाओ कि हर साल आप लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10-15 उद्योगपतियों का क्यों मांगते हो। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों का माफ किया, उसको ये लोग एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब बड़ा बिजनेसमैन, जब बड़ा उद्योगपति चोरी करता है उसको कहते हैं डिफॉल्टर। जब किसान
जब किसान कर्जा नहीं भर पाता है तो उसको कहता है कुछ और, ये फर्क क्यों है? ये हमारी लड़ाई है। और हमने कर्नाटका में आपके लिए, जनता के लिए बहुत काम किया है। सिद्धरमैया जी को मैं जानता हूं, बातचीत होती रहती है मेरी। ये सबसे पहले कर्नाटक की गरीब जनता का सोचते हैं, चाहे वो किसान का कर्जा माफ हो। कर्नाटका की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा मांग किया, चाहे वो इंदिरा कैंटीन हो, 7 किलो चावल हो, मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देने का प्रोग्राम हो। जो भी हम करते हैं, हम कमजोर लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। मोदी जी यहां आते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब नीरव मोदी, जिसको नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहले नाम से जानते हैं, जब वो 30,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाता है, तब नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। अपने स्टेट पे खड़े होते हैं, एक तरफ येदियुरप्पा जी खड़े हैं जो जेल में समय काट के आए हैं, दूसरे तरफ 4 मंत्री जो जेल में जाके आए हैं, और मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी टिकट के मामले 8 लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, भ्रष्ट लोगों को। तो देखा आपने कि किस तरह नेताओं ने एक दूसरे पर बयानबाजी की, एक दूसरे पर हमला किया। दरअसल ये हर चुनाव में करते हैं और इन्होंने मेघालय में भी ऐसे ही किया था। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर इस मौके पर कांग्रेस चौका मारती है तो बीजेपी को इस राज्य से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस के मूड के ऊपर बात है कि कांग्रेस आगे क्या करती है, और अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस और बीजेपी क्या करती है। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इस राज्य से भी हाथ धोना पड़ सकता है, जैसा उसने कर्नाटक से धोया, और इससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि कर्नाटक में इसलिए हाथ धोया क्योंकि वहां पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिली थी, और सरकार बनाने की जितनी जल्दबाजी थी वो सभी ने देखा, और अब यहाँ भी उनकी सरकार गिर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।